हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 8, दैट इज एडिशन अप टू 7 डिजिट नंबर। तो इसमें हमने इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 जो है नवनीत की बुक से उसको सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 नवनीत की बुक से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से हम कुछ गिने चुने एग्जाम्पल देखने वाले जिसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। देखते हैं How many tens should be added to the result after subtracting 10 units from 42 tens for getting the sum 500? इसका मतलब क्या हुआ कि कितने tens added करने पड़ेंगे, किसमें 10 units को 42 ten में से subtract करो। 42 tens कितना है, देखो 42 tens में से किसको subtract करना है, 10 units को। इसके बाद जो भी answer आएगा उस answer में कितने टेंस ऐड करने पड़ेंगे तो जाकर आंसर हमें मिलेगा 500। ये हमें पूछा है तो सबसे पहले ये हमें सब्ट्रैक्शन करने पड़ेगी। और 42 टेंस मतलब उसके सामने जीरो लगा दो, 10 यूनिट्स मतलब 10 ही हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया 410। तो 410 में कितना ऐड करो तो आंसर आता है 500। उसके लिए हम क्या करेंगे, 500 में से 410 को माइनस करो तो 500 माइनस 410 हो जाता है 90। तो 90 मतलब कितना टेंस हो गया, हमें पूछा था कितने टेंस, हाउ मेनी टेंस। तो 90 मतलब होता है 9 टेंस। सो व्हिच ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगर आप 90 का ऑप्शन चूज करोगे तो वो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि 90 टेंस हो जाएगा फिर, और 90 टेंस का मतलब होता है 90 के सामने एक जीरो यानी 900। तो यहाँ पे हमें केयरफुली आंसर को चूज करना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच नंबर विल ऑकर इन प्लेस ऑफ एस्टरिस्क मार्क बॉक्स और ट्रायंगल। तो इनकी जगह हाँ इस एग्जांपल में कौन से डिजिट आएंगे ये हमें पूछा है। उसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए। अब ऑप्शन इस सीक्वेंस है, जैसे ऑप्शन 1 में अगर हमने इनका यूज किया तो ये जो एस्टरिस्क मार्क है उसके लिए 3 आएगा, बॉक्स के लिए 7 आएगा और ट्रायंगल के लिए 9 आएगा। इस सीक्वेंस ही ये है, ये एस्टरिस्क मार्क बॉक्स ट्रायंगल, एस्टरिस्क मार्क बॉक्स ट्रायंगल, इस तरह से। अब एग्जांपल में देखो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पे देखो बॉक्स है, माइनस 3 करना है, 4 करना है। तो कौन सी नंबर ऐसे है जिसमें से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं 3 और 4 की एडिशन करते हैं। तो 3 प्लस 4 कितना होता है 7, मतलब बॉक्स की जगह आएगा 7। अब ऑप्शन में देखो बॉक्स की जगह 7 का है, यहाँ पे 7 है, यहाँ बॉक्स की जगह 7 है। देखो एस्टरिस्क मार्क बॉक्स 7, तो एस्टरिस्क मार्क बॉक्स 7 सॉरी एस्टरिस्क मार्क बॉक्स और ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो बॉक्स की जगह 9 है तो ये तो ऑप्शन चला गया। यहाँ पे भी देखो एस्टेटिक मार्क बॉक्स ट्रायंगल, तो यहाँ बॉक्स की जगह 3 है तो ये भी ऑप्शन चला गया। अरे हमारा जो आंसर ये दो ही इसमें सॉल्व करने, मतलब सॉल्व करते करते आप ऑप्शन में भी देखा करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे तो आ गया 7, तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉक्स तो कन्फर्म हो गया 7। आगे देखो तो ट्रायंगल प्लस कितना इज इक्वल टू बॉक्स, अब हमारा बॉक्स कितना आया है 7 आया है, तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। तो कितने में 2 मिलाओ तो 7 आता है, तो 5 प्लस 2 7 होता है, यानी ट्रायंगल क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब ट्रायंगल देखो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या करेंगे, नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो कितने माइनस 2 इज इक्वल टू बॉक्स होता है, बॉक्स कितना है यहाँ पे 7 होता है। तो कितने में से 2 माइनस करोगे तो 7 आता है, तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आता है, यहाँ ट्रायंगल की जगह चाहिए हमको 9 है ना, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 7। अब ट्रायंगल के लिए 9 कहाँ पे, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कंप्लीट करते हैं फिर भी। अब देखो 2 माइनस कितना इक्वल टू 5 होता है, 2 में से किसी को भी माइनस करो तो 5 नहीं आता है, तो यहाँ से 1 कैरी किया होगा है ना, या 1 कैरी किया होगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। अब 12 में से बॉक्स कितना है 7, 12 में से 7 अगर माइनस करो तो 5 आता है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ से 1 इधर गया था, तो पहले यहाँ पे चेक कर लो आप, एस्टेसिक मास माइनस 5 इक्वल टू बॉक्स, बॉक्स कितना है 7 है, तो कितने में से 5 को माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो अब अगर हम 6 कितना 7 प्लस 5 12, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए, मतलब एस्टरिस्क मार्क की जगह 3 रहेगा, क्योंकि इसका 1 इसको दिया था, तो एस्टरिस्क मार्क इज इक्वल टू रहेगा 3।
यहाँ पे थ्री था तो थ्री का वन इधर गया, तो फिर यहाँ पे बच गया टू है ना, तो यहाँ से वन कैरी किया होगा, फिर यहाँ हो जाएंगे 12, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, तो यहाँ रहेगा 7, 7 माइनस कितना है 6, 3 है, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है और इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1, 3 एंड 5 एट लीस्ट वन। तो हमें यहाँ पे थ्री डिजिट दिए, 1, 3 एंड 5, इससे हमें ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनानी है। अब तीन ही डिजिट दिए और फाइव डिजिट नंबर बनानी है, तो एक डिजिट दो बार और रिपीट होगा, ठीक है? तो मतलब एक डिजिट कुल मिलाकर तीन बार आएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, तो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो 5, 3, 1 हो गया, 3 डिजिट हो गए। अब ग्रेटर डिजिट को दो बार और लिखो, तो ये हो गया फाइव डिजिट नंबर, ठीक है? ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट। अब इसी तरह से स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बना, तो स्मॉलेस्ट होगी 1, 3, 5। अब 1 को और दो बार रिपीट करो और इनकी करेंगे हम एडिशन, ठीक है? तो यहाँ पे 6, 6, 6, 6, 6, तो आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलो अब इसको लिखते हैं, 17 लाख। 17 लाख कैसे लिखना? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब लाख प्लेस में आएगा 7 और 10 लाख प्लेस में 1, तो 17 के सामने 5 0, ये हो गया 17 लाख। अब उसके नीचे लिखना है 1700। 1700 मतलब 17 लिखना, 100 के 2 0, ये हो गया 1700। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 7, 1, ये हो गया 1700। फिर है 17,000, तो 17,000 यानी 17 के सामने 3 0, तो 1, 2, 3, फिर लिखना है 17, 7, 1, फिर प्लस 17, तो 7, 1, और इनकी करनी है हमें एडिशन, तो 7, 1, 7, 8, 1, 7, 1, तो इतना आंसर आ गया। अब ये आंसर आपको दिया है वर्ड में, इसको रीड करना, 32, ये क्या हो गया 17,18,717। ऑप्शन में देखो इस तरह से कौन सा वर्ड में करेक्ट लिखा है। गॉट इट।